मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब विश्व सैर सपाटा दिवस हर वर्ष की भांति 19 जून को मनाई जाती है। आज 19 जून 2024 है और सभी पर्यटकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं पहुँचे। यह सैर सपाटा दिवस पर्यटक के रूप में एक दूसरे राज्य और स्थान विदेशों में घूमने फिरने पर्यटक के रूप में आने जाने से बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी जानकारी और वहाँ की सांस्कृतिक रीति रिवाज, बोली भाषी और खान पान आदि के बारे में पता चलता है। यही है पर्यटकों के लिए सैर सपाटा, जो पहली बात मान कर बदल कर और अपनी ज़िंदगी के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मन और सुख शांति की सैर सपाटा करता है, वह बहुत बहुत उसके स्वास्थ्य, जीवन की और मन तन सभी स्वस्थ हो जाते हैं। सैर सपाटा करने से बहुत बड़ा लाभ है। चाहे आप पहाड़ों में जा रहे हैं या गांव खेती खरियाने में जा रहे हैं, बगीचे में जा रहे हैं, जैसे कि बहुत से कामकाज से मानसिक तनाव और नौकरी पेशा आदि से उब जाते हैं। अक्सर यह देखा गया है उन्हें हर वर्ष की भांति और लगभग लगभग जो है शहर में अच्छी प्रदूषण के वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है कामकाज और नौकरी पेशा से। वहीं पर उन्हें पहाड़ों पर या देश विदेश के अनेक झील और नदियां और सागर आदि का सैर सपाटा करना चाहिए, जिससे कि वह व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहे और वह अच्छी जो है हवा, शुद्ध हवा और अनेक भाषाओं, अनेक खान पान और अनेक ऐसे परिवर्तित प्राकृतिक सौंदर्यकरण देखकर वह उसका मन और तन मन गदगद हो जाए। इसी पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए भी और भारत सरकार और देश के विदेशों में भी बहुत सारे ऐसे जो है छूट ऑफर का भी जो है या लोगों को, पर्यटकों को आने जाने के लिए जैसे कि रेल, हवाई जहाज, अनेक ऐसे माध्यम हैं। लोग तीर्थ स्थल पर जाकर या पर्यटक के रूप में लोग सैर सपाटा करते हैं और इंजॉय करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को हर वर्ष सैर सपाटा पहाड़ों में और देश विदेशों के तीर्थ स्थल और झरना, झील और पहाड़ों, सागर, नदी आदि बाग बगीचों में प्राकृतिक सौंदर्यकरण का झलक देखनी चाहिए या प्राकृतिक का लुप्त लेना चाहिए। अनेक राज्यों की भाषाएं और संस्कार, प्राकृतिक रीति रिवाज का रिसर्च करने वाला व्यक्ति भी यह सैर सपाटा के साथ साथ पर्यटक के रूप में मनोरंजन लेता है। एक देश दूसरे देश पर्यटक के रूप में आने जाने वाला वह रूपरेखा, रीति ऋतु आदि के बारे में भी पता लगता है। उस स्थान की खासियत क्या है या सब कुछ नज़दीकी से जाकर देखा और समझता है। पर्यटक को लेकर देश विदेशों की सरकार पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरह की पर्यटक होटल और पर्यटक कंपनियां भी आगे आकर लोगों को सैर सपाटा विभिन्न सुख सुविधाओं के अनुसार कराती है। होटल में काम करने वाले लोग जो है कंपनियां पर्यटक छूट आदि सुख सुविधाओं मुहैया कराते हुए सैर सपाटा कराने का तन मन और सब कुछ जो है सैर करने से बदल जाता है या उनका कार्य यही होता है सैर सपाटा कराना। या जीवन भरे बोझ आदि आदमी को महसूस होने लगे तो जरूर से जरूर उसे सैर सपाटा पर्यटक के रूप में करना चाहिए। आप हवा, खुली हवा खाने के लिए बेताब हो जाए तो जरूर से जरूर सैर सपाटा और साल में एक बार लगभग लगभग छोटी बड़ी सैर सपाटा करनी चाहिए। जैसा कि आपका जेब गवाही दे, उसी तरह से आपको इस जो है सैर सपाटा यानी कि पर्यटक के रूप में घूमने फिरने का, तीर्थ स्थलों पर जाने का आप मन जरूर बनाना चाहिए। या विश्व सैर सपाटा आज दिवस 19 जून 2024 है और आज बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी लोग
या खुशियां मना रहे हैं। वहीं पर यदि भारत की बात करें तो बहुत से तीर्थ स्थल हैं जहां पर विदेशों के मेहमानों अतिथियों को यहां पर आना चाहिए। और यह है आपको सबसे पहले विश्व स्तरीय जहां इस वक्त तीर्थ स्थल बन चुका है अयोध्या धाम, उसके बाद काशी यानी वाराणसी और जो है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और केदारनाथ, और भी ऐसे भारत भर में तीर्थ स्थल हैं जो आप घूम घूम कर आपको बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्यकरण के साथ साथ प्राकृतिक हवा और अनेक ऐसे जो है आपको मनोरंजन मिलेगा और आपको जो है बहुत जो है दर तीर्थ स्थलों का दर्शन भी आप बखूबी से सभी भारत की देवी देवताओं से आप जो है आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। विश्व स्तरीय बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों के लिए देश और विदेशों की पर्यटक कंपनियां भी बनाई गई है और इसमें सभी लोग गाइड के रूप में लोग एक दूसरे स्थानों पर लोगों को बताने और जानकारी देने और अनेक ऐसे सांस्कृतिक रीति रिवाज के बारे में जानकारी देने, रिसर्च करने का भी मौका मिलता है। तो आइए हम सभी लोग एक दूसरे देशों में या जेब गवाही दे तो किसी राज्यों में जाकर और पर्यटक के रूप में हम सभी लोग तीर्थ स्थल और भगवान देवी देवताओं का आप आशीर्वाद प्राप्त करें। वहीं पर देश विदेश के मेहमानों अतिथियों को पर्यटक कंपनियां ऑफर छूट देती है, पर्यटकों को लुभावना देकर उनके सह सपाटा करने के लिए प्रेरित करती है और बहुत सी छूट भी उन्हें मिलती है और उन्हें इस ऑफर के साथ साथ उन्हें आनंदमय और के साथ सह सपाटा करते हैं। सह सपाटा से ही देखा देश और विदेशों में एक दूसरे देश और राज्यों की विभिन्न खान पान, बोली भाषी और वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यकरण आदि के बारे में पता चलती है और एक दूसरे को देखा और भली भांत लोग समझ सकते हैं। यह सबसे देश विदेश से आधुनिक युग जब से आया है, जैसे कि हवाई जहाज़, रेलगाड़ियां, बस आदि बहुत सी परिवहन, लोग एक दूसरे को देख सुनकर सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं। देश की रीति रिवाज, अनमोल सांस्कृतिक रीति रिवाज नज़दीकी से पता चलता है। भारत की सांस्कृतिक रीति रिवाज सभी पर्यटकों को देश विदेशों में सैर सपाटा और पर्यटक घूमने फिरने और विश्व स्तरीय या आज जो है दिवस मनाई जा रही है। विश्व सैर सपाटा दिवस की 19 जून 2024 को पर्यटकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं पहुँचे। फिर हम आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे साथ, तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।